ॐ जय कृष्णाय नमः जग तारक है आए चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ॐ जय गुरुदेवाय नमः। जब वह लौट गया, लौटने लगा सुबह 4 बजे, तब वो जो महल का दरवान था सामने आकर खड़ा हो गया, कहा तुम कौन हो, कहाँ जाते हो? बेवकूफ, 10 बजे जाता है, 4 बजे लौटता है, गंगा में स्नान करने सब लोग 4 बजे जाते हैं, तू 4 बजे लौट आता है, बहुत पागल देखे। लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारे ऐसा पागल नहीं देखे, अपना परिचय बताओ। वह व्यक्ति कहा कि तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? कहा अरे पागल देखता नहीं कि मैं दरवान हूँ, इस महल का दरवानी करता हूँ। दरवान मैं भी दरवान हूँ। कहा कि तुम किसके दरवान हो? कहा कि मैं भी इस महल का दरवान हूँ, ये जो महल देख रहा है ना इसका दरवान हूँ। कहा कि अरे पागल, इसीलिए हम समझते थे कि तू पागल है, तुमको पैसा कौन देता है, महीना कौन देता है? कहा कि तुमको महीना कौन देता है, हमको तो महल के अंदर रहने वाला देता है। तो क्या करते हो? तो हम देखते रहते हैं कि महल के अंदर कोई ना जाए, चोरी ना करे। कहा कि हमको भी पैसा देता है इस महल के अंदर रहने वाला ही, लेकिन हम भी देखते हैं कि महल के बाहर बाहर जो इंद्रियाएं हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियाएं, ये चोरी न करें। और यह भी देखते हैं कि उस महल का, तू उस महल के राजा को नहीं देख सकता है? देखा कि नहीं, लेकिन हम इसमें रहने वाले महल के राजा के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, और धीरे धीरे हम भी राजा ही बन गए हैं। लेकिन तुम तो राजा नहीं बना पाएगा ना। कहा कि पागल, हम राजा के साथ बैठेंगे, हम महल में जाएंगे, हमारी फांसी हो जाएगी। कहा कि हम ऐसे दरवान हैं कि राजा के साथ बैठते हैं, उठते हैं, दरवानी भी करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहा कि मेरा नाम बाल सेम है। कहा कि हमको भी इस दरवानी की विधि बताएगा? कहा कि क्यों नहीं, कब? कल मैं जब 10 बजे आऊंगा तो आ जाना। कहा ठीक है, 10 बजे से 4 बजे कोई रहता भी नहीं, सुबह लोग आते जाते हैं, मैं बाहर ताला बंद करके आ जाऊंगा, देखते हैं तुम कैसा करता है और तुमको कैसे कौन पैसा देता है महीना। बाल सेम आया, दरवान खड़ा था पहले से, ले गया। वह ध्यान के गहराई में उतर जाता था और ध्यान के गहराई में सामने बैठा दिया, क्या करो? कहा कि तुम मेरे साथ ध्यान के गहराई में, मुझे तुम देखते रहो, जब मैं ध्यान के गहराई में उतरूंगा तुम मुझे देखते रहना, देखते रहना, हो सकता है कि मेरे आंखों से, मेरे त्रिकुटी से वह वेव निकले और तुम्हारे त्रिकुटी पर वाइब्रेट कर दे और तुम ध्यान के गहराई में उतर जाओ। इसलिए अभी मैं यही बताऊंगा। कहा कि ठीक, लेकिन अभी मुझे विश्वास नहीं है तुम पर। कहा कि मैं विश्वास करने के लिए कहता भी नहीं हूं, क्यों विश्वास करेगा? मैं कह दूं झूठ बोल करके, तुम विश्वास कर लो, पेट भर गया, पूरी खा लिया, काम चल जाएगा? कहा कि नहीं। तो कहा कि तब चलो शुरू करो, सुनते हैं। बैठना सबसे बड़ी कला है, तू लो 1 घंटा नहीं बैठ पाता है सीधे। जब गुरुजी बोलते हैं तो 1 घंटा में इधर करेगा, हाथ पैर नाक चलाता ही है ना। और जब तुम एकदम स्थिर बैठना सीख लेगा, अंदर बाहर मौनता को प्राप्त कर लेगा, तब अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और वह व्यक्ति, वह दरवान को पहला शिष्य बनाया, बाल सिंह।
और जो उसकी साधना पश्चिम में चली है उस साधना का नाम है हदीश साधना। हदीश का नाम तुम लोग सुना हो या नहीं, पश्चिम में हदीश साधना का प्रवर्तक बालसेम रहा और उसका पहला शिष्य वह द्रवान बना, गार्ड बना। तो तुम लोगों को मैं कहता हूं यह निरंतर कि आप यदि ठीक ठीक ध्यान में उतरने की कला जान जाएगा और जिधर से तुम गुजरेगा वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, है संभव? इसका मतलब तुम अभी ठीक ठीक से गुजरा नहीं, केवल बात करना सीखा है बात। तो फिर कथावाचक में तुम्हें अंतर क्या है? नानक ने कहा है समन पुड़ियन के भार लादे भूख न मिटहीं, कहा है ना, यदि सौ मन भी पूड़ी का भार, पूड़ी समझता है ना, पूड़ी बना करके अपने सिर पर लेकर के चलो, क्या भूख मिट जाएगी? लेकिन उसमें से एक पूड़ी सिर से निकाल करके अपने मुंह में डाल लो तो ढोने की जरूरत नहीं, तुम्हारी भूख मिट सकती है। लेकिन तुम अभी आदि नहीं हो, आदि हो ढोने के लिए, रामायण ढोने के आदि हो, गीता ढोने के आदि हो, महाभारत ढोने के आदि हो, वेदों को ढोने के आदि हो, पुराणों को ढोने के आदि हो, और उसे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, उसे तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति तभी होगी जब तुम्हें बाल से में से गुरु के नजदीक बैठने की कला जान जाओ। बैठना एक बहुत बड़ी कला है। देखो हम तीन चीज से परेशान हैं, 80% दुख कारण है अति चिंता, एक दूसरा अति कल्पना। करते हो ना, तीसरा अति सुख सुविधा का खोज। तीन अति पर तुम चलते हो, अति चिंता करते हो, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, चिंता सोच, यह तुम्हें निश्चित रूप से डिप्रेशन में ले जाएगा। और डिप्रेशन सेल्फ सुसाइड ह्यूमिलेशन होता है, और ह्यूमिलेशन के बाद सेल्फ सुसाइडल हो जाता है। नानक देव बार बार कहते हैं सोचे सोच न हो भाई जो सोचे लखबार। तू बार बार सोचते रहो, सोचने से तो कुछ होने नहीं जा रहा है। इसीलिए इस सोच को भी इस गंगा तट में, गंगा में स्नान में बहा दो। क्या सोच रहा है? तुम्हारे सोचने से कुछ हो नहीं रहा है। यह अति चिंता तुझे पागल बनाती है। अति कल्पना ख्याली पुलाव। देखो संसार के लिए जब तुम सोचते हो यह अति कल्पना होता है। एक मध्यम कल्पना, जब तुम मध्यम कल्पना करते हो तो कल्पना किया कि ABC एक त्रिकोण है तो इस पर एक रॉकेट चल जाएगा और विज्ञान डेवलप कर जाएगा। वैज्ञानिक जब कल्पना करता है तो यह उच्चतर स्तर पर चला जाता है, उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है और वह जो है विज्ञान जो है विकास कर देता है। लेकिन तुम साधारण व्यक्ति जब कल्पना करता है ख्याली पुलाव बनाएगा तो यहाँ से शुरू करेगा, हमारा लड़का पढ़ेगा, इसको ऐसे पढ़ाएंगे, मुंगेरी लाल का सपना देखा है ना, इसको IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, कल्पनाएं करते रहेगा। उस कल्पना में जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होगा तुम्हारी कल्पनाएं ध्वस्त होने लगेगी, टूटने लगेगी, चरमराने लगेगी, तुम पागल होने लगेगा। यह कल्पना। लेकिन अब हम अध्यात्म के क्षेत्र में जब तुम्हें कल्पना के लिए बाध्य करेंगे, अध्यात्म जब वह कल्पना तू करने लगेगा तो वह अध्यात्म कल्पना नहीं रह जाएगा, भाव बन जाएगा। और तुम्हारी भाव की प्रगढ़ता जब बन जाएगी तो भाव समाधि लग जाएगी। यही अंतर है। कल्पना तो कल्पना है, एक वैज्ञानिक कर लिया, एक तुम कर रहे हो, एक भक्त कर रहा है।
भक्ति व्यक्ति कल्पना में, प्रवाह में बहता है, भावना में बहता है, तो पत्थर छोड़कर के परमात्मा निकल आता है, पत्थर को तोड़कर परमात्मा निकल आता है। यह जो है देखो विभिन्न क्षेत्र में कह रहा हूँ। तीसरी बात, तू अति सुख सुविधावादी हो गया है। मैं मुझे बाद में पता चला, कुछ अधिकारी वर्ग जो आए थे पंजाब से, उन्हें वोमिटिंग होने लगा था, एसी में रहने वाले लोग हैं, तुम टेंटों में रह दिया, जमीन पर कभी सोया नहीं, जमीन पर सुला दिया। बाद में पता चला कि नहीं, बहाना बना करके वे लोग रात्रि में दिल्ली यहाँ बनारस के एसी होटलों में जाकर जगह लिया है। यह शरीर का हमने ऐसा निर्माण क्यों कर लिया, उसका भी दोष नहीं है, चूंकि तूने अपने शरीर को ऐसा निर्माण कर ही लिया है, अति सुख सुविधा बना ही लिया है। यदि सुख सुविधा तुम्हारी छीन गई, तुम चित्त हो गया। लेकिन गुरु के जो सानिध्य में रहता है वह तपस्वी रहता है। चाहे उसे एसी में रख दो, चाहे चिलचिलाते धूप में रख दो, चाहे नंगे पांव बालू के रेत में खड़ा कर दो, उसे अंतर नहीं पड़ता है। कहेगा कि इसी तरह से गुरु जी कह रहे हैं, हम तो देख ही रहा है तुम्हारे साथ हर कंडीशन में रहते ही हैं। लेकिन तुमने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र हर सुख सुविधा में रहता होगा, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन अवसर पाते ही जब वह अपना समग्र पृथ्वी दान दे दिया, इसी काशी के हरिश्चंद्र घाट पर एक डंटा लेकर के और कफन असूल करने का काम करने लगा। कभी उसे न खांसी हुई, न बुखार हुई, न जुकाम हुआ, और अपने काम से डटा नहीं, हटा नहीं। यह राजा ही कर सकता है, सब साधारण के लिए नहीं है। इसीलिए तुम लोग बार बार मैं कहता हूं कि राज योग मैं दे रहा हूं, इसलिए राजा की तरह रहना तो पहले सीख लो। और उसकी पत्नी या जिसके जन्म से ही सैकड़ों दास दासियां होगी ना, हरिचंद्र की पत्नी के जन्म के साथ सैकड़ों दास दासियां होंगी। यह निश्चित है कि हरिचंद्र की पत्नी किसी चिरकुटानंद की लड़की नहीं है, और वह आ गई काशी में। एक ब्राह्मण के यहां थाली बर्तन मलने लगी और उपेक्षित जूठा भोजन करने लगी, लेकिन अपने चाल चित चिंतन से समझौता नहीं किया। उसका लड़का रोहित इकलौता है, चक्रवर्ती सम्राट का राजकुमार है, जरूर जन्म होते ही दर्जनों नौकर चाकर उसके आगे पीछे रहे होंगे, और वह लड़का इस ब्राह्मण का वाटिका से नंगे पांव फूल लाने का काम करने लगा। यह तो सुनने में आसान है, लेकिन व्यवहार में बड़ा कठिन है ना। इसलिए यह कोई राजा ही कर सकता है। इसी काशी के हरिचंद्र घाट पर और हमसे भी कुछ लोग कहा, कल कुछ अधिकारी वर्ग इन लोगों से कह रहे थे, गुरु जी यहां खर्च देख करके हम लोगों आंखों में आंसू आ रहा है, यदि आप आदेश देते तो हम तो एक एक आदमी एक साल में इतनी हम लोगों की आमदनी है कि एक साल में ऐसा ऐसा बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। चलिए अपने लिए नहीं, लेकिन इसके लिए मैं काम शुरू कर दूं, और किसी से मांगना नहीं पड़ेगा गुरु जी 10-10 रुपया, हम लोग अकेले खड़ा कर देंगे। क्या तुम लोग सब खड़े हैं, मैं समझौता कर लूं अपने सिद्धांत से? मैंने जाते वक्त हरा के रोने लगा सब। मैंने जाते वक्त रात्रि में कहा, असंभव, चाल चरित्र चिंतन से समझौता नहीं हो सकती है। हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर कफन असूल सकता है, महाराणा प्रताप घास की रोटी खा सकता है, और भगवान राम
इस जंगल में नंगे पांव पैदल घूम सकता है? जिस सीता का जन्म लेते ही हजारों दास दासियां थी, नंगे पांव वह जो है लकड़ी तोड़ रही है और भिक्षा मांग करके खाना बना रही है, हम उसी के वंशज हैं। इसलिए किसी भी स्तर से हम लोग इस यज्ञ के लिए अयज्ञ नहीं करेंगे, इस सुकर्म के लिए कुकर्म नहीं करेंगे और समझौता नहीं होगा। तुम अपने ही, हम कहेंगे एक साल के लिए तुम खुद संन्यास लो, चार रोटी खा रहा एक ही रोटी, तीन रोटी में काम चला लो, एक एक रोटी बचा दो, वही रोटी यहाँ आ जाएगी और जो आएगा उसे उसका भरण पोषण होगा। जब उसे भरण पोषण होगा, तुम्हारी सात्विकता से भरण पोषण होगा, तब यहाँ साचितानंद अपने आप घूमने लगेगा और तब यहाँ पर जो है लक्ष्मी और नारायण का अपने आप वास होने लगेगा, कुकर्मों से नहीं। इसलिए देखो, हम लोग इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं इस काम के लिए, ठान तो दी है लेकिन चिंता किस बात की। और आप लोगों से भी मैं यही कह रहा हूं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। लेकिन एक वकील बच्चे देखो पीछे बैठा है, कह रहा है कि गुरुजी पाप से लक्ष्मी बहुत बढ़ रही है। कह रहा नहीं बढ़ती है बच्चा, लक्ष्मी यदि बढ़ रही तो पांच या सात या पांच सात बारह। कहा गया है धर्म बहुत दुख देता है, पांच वर्ष पांच और सात। पाप बहुत सुख देता है, वह भी कहा गया पांच या सात, पांच वर्ष या सात वर्ष या सात पांच बारह वर्ष, बारह वर्ष का ही एक युग होता है। और तुम समझते हो कि पाप कर्म तुम्हें सुख दे रहा है, सुख नहीं देता है। वस्तु तो वह ऐसा है, तुम लोगों को भी जमराज के चलकर अकाउंट दिखाएंगे, तुम्हारा सबका अकाउंट तुम्हारे साथ घूम रहा है, ब्लैक बॉक्स बताए हैं तुम लोगों को साधना में, तुम्हारा ब्लैक बॉक्स तुम्हारे साथ ही घूम रहा है। चाहे जो भी तुम कर्म कुकर्म कर रहा है वह तुम्हारे साथ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और उस तरह का ही सरकमस्टांसेस क्रिएट होता है। जब हम शुभ संकल्प लेते हैं तो शुभ संकल्प लेते ही तुम्हारे इर्द गिर्द शुभ वृत्तियां छाने लगती है, और शुभ वृत्तियां इतनी सब संकल्पवान हो जाएगी कि तुम्हारे इर्द गिर्द सब शुभ घटनाएं अपने आप घटने लगेगी। जब तुम अशुभ संकल्प लेता है तो अशुभ जो है वृत्तियां घटने लगेगी। इसलिए हमारे संकल्पों पर डिपेंड करता है। तो आप जहां भी रहें, हम यह नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग हरिश्चंद्र की तरह से बिक जाओ। हरिश्चंद्र का इसलिए काशी में तुम लोग आए हो, इसलिए हमको याद आ गई। हरिश्चंद्र शिवतंत्र में लिखे हैं ना, बचपन से हम गांवों में नाच में होता था हरिश्चंद्र की कथा, नाटक होता है ना, तो देखते थे। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर निलोठी मोड नांगलोई दिल्ली 110041। अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सतगुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर भक्तगण पारिवारिक शांति सुख समृद्धि पति पत्नी और पिता पुत्र के मधुरम संबंध हेतु स्वामी श्री के प्रवचन सुने और दिव्य गुप्त विज्ञान सीखे जो कलयुग के लिए कामधेनु है। जो स्वर विद्या भगवान शिव ने पार्वती को, सूर्य ने हनुमान जी को और कबीर साहेब और चरणदास जी ने भक्तों को दी, वही स्वर विद्या स्वामी श्री आपको प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप इस जगत में भी सफलता प्राप्त करें और उस जगत में भी सफल रहें।